ਗ੍ਰਿਲ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਡਰਿਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਮੁੱਖਣ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਖਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ अच्छा मुमताज साहब हाँ जी भाई ग्रिल्ड चीज नहीं खाता कभी ग्रिल्ड चीज यह की चीज होती है ड्रिल ड्रुले मशीन मशीन है कोई ग्रिल चीज यार कोई अजीब अजीब ही चीजें आप हमें बताया करो कि जो सुन के ना हम पहले सोचें कि यार ये चीज क्या है नहीं जी मैं नहीं खाता वो की चीज है की यार ड्रिल चीज है पहली बार सुनिया है ऐ जड़ी छत्तां दे ड्रिल चलदी है लैंटर लूंटर तोड़ने वाली है तो सुनिया है ड्रिल जड़ी है पहली बारी सुनिया है ग्रिल चीज चीज को ग्रिल के ऊपर रख दिया और वो ग्रिल चीज बन गई या नहीं चीज केड़ी बच्चे अक्सर ना लेंदे रहंदे ने भी चीज खानी है जी पैसे दियो जी ये केड़ी चीज हैगी है कि ना लै रहे जो तुसी ये विखाओ की चाय होंदी ग्रिल चीज खाई तो नहीं है अब आएगी देखेंगे तो उसको टेस्ट करेंगे फिर पता चलेगा कि जी उसमें क्या क्या है तो देखेंगे तो पता चलेगा की चीज हैगी है अमरीका दी शायद अमरीका दी देखो जी अमरीका इंग्लिश दे विच ना की लई जांदे जे सानू ते कोई समझ नहीं आ ए ते डबल रोटी मलाई आ गई तुसी कह रहे ड्रिल मैं केड़ी ड्रिल मशीन ते नहीं आ गई किते ते देखते हैं हम चीज तो बर्गर में यानी के यूज करके खाते हैं और अब ग्रिल चीज जो है वो किस तरह बनी है क्या है उसमें ऐ तो जी डबल रोटी दे पीस है ने कि तुसी कह रहे जे चीज ऐ विच कोई पनीर जा लगा होया ते डबल रोटी हैगी है विच मैनू शक पैंदे ड्रिल पाई होनी है ये जेड़ी तुसी मैनू खवानी है अच्छा जी ये ग्रिल चीज है यार ये तो बड़ा क्रिस्पी बड़ा ही बेहतरीन क्रिस्पी है कोई चमच वगैरह तो दें जरा ऐ ते देखण नू ते वधिया लगण डिया जी खस्ता जिहा ते गरम गरम आवाज वाह ये देखने तो डबल रोटी तो पनीर ही लगन डिया हूँ तुम कोई होर ही ना लैन डे जी का मैं इनू खा चेक कर दें वाओ ये देखो ना कितना बेहतरीन किस्म का ये इसकी आवाज आप सुन रहे होंगे है? ये ग्रिल है असल अब मुझे समझ आई है कि ग्रिल चीज पर ये तो माशाल्लाह हमारी ब्रेड है ना इसके अंदर चीज फिल हुई है और ये बड़ा मजेदार टेस्टी बनाया हुआ काम बड़ी अच्छी चीज बनी है मिठी ते विच जिवें मलाई नहीं हुंदी और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी बनेगा ये ना ग्रिल है और बड़ा अच्छा यानी कि इसका वो क्रिस्पी हुआ हुआ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खस्ता देखो ना पनीर ला के ते डबल रोटी नू की कुछ बना छड़िया साडी ना अज गाय मर गई है लोया खा गई सी केले केले निकले ओदे अंदरों ते मैं कहा की पता एदे विच भी केले कुले ड्रिल पाया होवे ते मैं भी ना पुड़ गया मैं के पिछे नू वाओ बटर से बड़ा वा और चीज अपना ही टेस्ट है अं लोग डबल रोटी ने मक्खन मुखन ना ला के चलो खा ली किसी वे ठीक हो गया तो अंग्रेजा लोगों का खाना भाई कदे खा के ना बेबे की याद आ जाती जिम्मे मैंने बेबे बर्फी खवादी होंगी सी छोटे होंगे वाह जी ये देखे खस्ता मजेदार बनया होया इंदे एदे अंजे जिवें सेब नहीं नरम हुंदा केला कुला एवें नरम खोए वर्गा काम एदे अच्छा ये आपने कहा ग्रिल चीज इसमें चीज का इतना टेस्ट नहीं आ रहा जितना ब्रेड क्रिस्पी मक्खन के साथ
देखो ना डबल रोटी हैगी है ते पनीर लगा हुआ लेकिन है काफ़ी मज़ेदार है, कोई मसाला नहीं कोई और चीज़ नहीं, जिवें देसी घ्यो दे विच नहीं चीज़ तलदी दी वो साफ बनाया हुआ। जी करदा इहनू खाई जावां बार बार खाई जावां। चलो है खा के बेबे की याद तो आँदी है ना, होर गलां दीआं गलां। पहले तो उसका टेस्ट आता है फिर बाद में एंड पे जाके चीज़ का टेस्ट आता है। खाने हक च भी जायकेदार है, कोई ये मसाला मिर्च नहीं आया, पनीर पाया हुआ बिच जिवें सानू ते पनीर ही लगन दिया गए। ये कोई कौड़ी खट्टी चीज़ नहीं आया, बड़ी मिठी चीज़ अच्छी चीज़ नरम ते ये खानी चाहिए है। तो इनू बेबे दे त्यार वास्ते लाइक करो ते सब्सक्राइब करो। ये टेस्ट जो है ना कमाल टेस्ट है, इतना मज़े का क्रिस्पी ऊपर से यमी इतना कि मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी बदल दी है, तो मुझे ये खाने दो आप, फिल वक्त छोड़ दो मुझे। ये मलाई जी होती है दुध की, बेहतरीन है, मज़ेदार है, खाने हक भी है। हल्की फुल्की गुजार, ना कोई मेदे नूं तजाबियत ना कोई खराबी। सब्सक्राइब करो आप, लाइक करो और मुझे ये खाने दो, मुझे मज़ा लेने दो। ये चीज़ें मज़े के साथ आप खाओ ना तो फिर मज़ा आता है, आप थोड़ी सी खाओ आप फिर बोलो बीच में वो मज़ा नहीं आता फिर। यार खान दे हक ते अच्छी है, बाकी जरा ना मेरा भी चैलेंज है थानू, मैं भी बनावांगा, मखन मुखन ला के बेहतरीन कोई ना कोई आइटम ना तैयार करांगे। आप उन्होंने चीज़ लाई है या पनीर लाया कुछ भी है ना, अभी मक्खन ना तैयार करांगा। हल्का फुल्का कोई मिर्च मसाला भी बेच हुंदा ते होर मज़ेदार काम हो जाना सी, बाकी भी मज़ेदार आ ठीक हैगा, खाने दे हक च बड़ा लजीज़ आ।